जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय रहेगा कि हिम्मत, मेहनत, साहस, जोश और ताकत के ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल देव प्रत्येक 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग कह सकते हैं लगभग 18 से 19 महीने के बाद वापस वो उसी राशि के अंदर आते हैं, लेकिन हर बार उनके फल अलग होते हैं क्योंकि हर बार उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध बनकर उनके फलों में परिवर्तन देता है। इस बार की जो परिवर्तन होने वाला है कि मंगल शनि की मकर राशि से निकलकर, यानी अपनी उच्च राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी पहले वो शनि की राशि में थे, इस बार वो शनि के साथ होंगे। इसलिए मंगल के फलों में अंतर तो आएगा, क्योंकि तो मंगल अकेला होता तो उसके फल वही होते, लेकिन मंगल का अगर संबंध किसी से बन जाता है तो उसके फलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो तो अलग है, आप किसी के साथ बैठे हो तो कुछ और प्रभाव होता है। ऐसा ही प्लैनेट है मंगल। जैसे हम शनि को, बृहस्पति को, राहु केतु को वरीयता देते हैं, तो उसके बाद चौथे नंबर पे मंगल ग्रह आता है, जिसके बिना जीवन में सभी कार्य अधूरे हैं। और अधूरे इसलिए हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत, जोश और साहस नहीं है वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो चीज़ों को उससे घबरा जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन जिनका मंगल बली होता है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं और जीवन में परिश्रम करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही मंगल ग्रह 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक राशि में रहेंगे, कुंभ राशि के अंदर, जहां पर बनेगा ये मंगल शनि का योग। इस मंगल शनि के सही योग का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है, जिसको बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा, जिसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे आपको देनी होंगी कि क्यों ये मंगल शनि का योग खास है, क्यों ये मंगल का गोचर खास है, या किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मंगल कौन है? हिम्मत, जोश और साहस का कारक ग्रह है मंगल। जहां पर हमें इस एनर्जी की बात होती है कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो हम मंगल से लेते हैं। और वो मंगल क्या है? काल पुरुष का लग्नेश है, यानी एक मंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। जब हम काल पुरुष का लग्नेश की बात करते हैं तो हमारे मंगल के कारक तो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शनि भी काल पुरुष के दशम और एकादश का स्वामी है। अब शनि का है दशम भाव, यानी कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, श्रम, मेहनत जो भी है वो शनि है। लाभ भाव का मालिक है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, लाभ, वृद्धि, प्राप्तियां, जीवन में हमने कुछ कमाया और बचाया और सेव किया और हमें सम्मान मिला, 11वें घर से देखते हैं, यानी शनि भी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब शनि क्या है? सहजता का कारक है, धैर्य का कारक है। अब एक तरफ हिम्मत, जोश और साहस, दूसरी तरफ धैर्य, ये दोनों जब एक साथ मिलकर काम करें, हालांकि मंगल और शनि स्वभाव में अलग हैं, एक जोशीला है, एक धैर्यवान है, लेकिन जब इनकी युति एक साथ बन जाती है तो आप ये समझिए एक ही व्यक्ति के अंदर धैर्य भी हो और एक ही व्यक्ति के अंदर अगर जोश हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव से ये दोनों प्लैनेट मैलेफिक हैं। जहाँ शनि धीरे धीरे अशुभ प्रभाव देता है, वहाँ मंगल क्विक रिजल्ट देने वाला प्लैनेट होता है। इसलिए हम मंगल शनि की युति को कहीं ना कहीं खराब स्थितियों में भी देखते हैं, लेकिन काल पुरुष का लग्नेश है मंगल और शनि दशम एकादश का मालिक है, इसलिए ये मंगल और शनि का योग धन योग भी बनाता है, राजयोग भी बनाता है। दोनों नैसर्गिक अशुभ हैं, उसका भी प्रभाव देंगे। अब इस दौरान किन लोगों पर इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको मंगल या शनि से संबंधित किसी भी तरीके से दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका जन्म धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतविषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि और लोगों के मुकाबले इसका ज्यादा प्रभाव होगा। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर ये होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहां से आपके जीवन का कुछ नया ट्रैक डिसाइड हो सकता है। कि कभी कभी व्यक्ति जीवन में लगातार किसी चीज के लिए मेहनत करता है लेकिन उसको सही राह नहीं मिलती, सही दिशा नहीं मिलती। अब मंगल और शनि, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि भाई ये काल पुरुष का लग्नेश और दशमेश है, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन हमारे जो ज्योतिष के बेस हैं, ज्योतिष का जो आधार है वो यहीं से शुरू होता है कि सारे राजयोग, सारे धनयोग, ग्रहों की दृष्टि, शुभ अशुभ योग, सब कुछ काल पुरुष के लगन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब मंगल और शनि जैसे ग्रह,
मंगल लगन का मालिक, शनि दशम का मालिक, यानी लगन और दशम का संबंध बना राजयोग। एकादश का मालिक तो मंगल लगन का मालिक, एकादश का मालिक शनि, तो धन योग बना। तो युति के हिसाब से ये है, लेकिन हर किसी राशि के लिए ये कितना फेवरेबल है, क्या आपको ये दे सकता है, ये हमारा आज का खास विषय रहने वाला है। तो अब हम आपको समझाएंगे आपकी राशि के अनुसार, कि हम अब तक तो उसके नेचुरल स्थिति को समझ गए, क्योंकि किसी चीज़ का आधार समझना जरूरी है कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब उस आधार को हम समझेंगे कि ये जो युति बनने वाली है, इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सा समय आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए इस दौरान बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जिससे आपसे कोई भी अधूरी जानकारी ना छूट जाए। देखते हैं कि आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है, और वृषभ राशि से दशम भाव में बन रहा है मंगल शनि का ये संयोग, कैसा रिजल्ट देगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है दशम भाव। दशम भाव को हम कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए कहते हैं। शास्त्र का नियम है कि दसवां घर शुभ ग्रहों के साथ होना चाहिए, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपको इजी चाहिए। अगर दशम भाव में एक, दो या तीन या उससे अधिक अशुभ ग्रहों का संबंध बन रहा हो, तो वो ही व्यक्ति जानता है जो उस कर्म को कर रहा होता है। कहते हैं ना कि बीतती उसके जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है कि प्रॉब्लम कहाँ। कि कर्म कार्य क्षेत्र तो सब है, लेकिन अशुभ ग्रहों का मतलब ये समझिए कि मैं हर समय कांटों पर बैठकर कार्य करता हूँ। कि शनि ग्रह जो स्वभाव से अशुभ है, मंगल ग्रह जो स्वभाव से अशुभ है, दोनों ग्रह दशम भाव में आते हैं। इसका मतलब दोनों ने एक बात तो पक्की कर दिया कि ये समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला है। इस दौरान कहते हैं कि भैया कमर कस लो, क्योंकि अब आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। क्योंकि प्लेनेट स्वभाव में अशुभ हैं, इसलिए उनका स्वभाव ऐसा है कि वो जब तक आपको रगड़ेंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं देंगे। यानी कह सकते हैं कि ये 45 से 50 दिन का समय प्रोफेशनली मेहनत कराएगा। अब ये राइज देगा या नहीं देगा, तरक्की देगा या नहीं देगा, ये अलग डिपेंड है। कि अब इसको समझते हैं, हमने देखा है कि योग कारक शनि, नवम भाव और दशम भाव का स्वामी शनि, जिसको हम काल पुरुष के लिए कर्म और लाभ का स्वामी कहते हैं, तो शनि की भूमिका बहुत बेहतर है आपके लिए, क्योंकि शनि इस दौरान वृषभ लग्न से दशम भाव में है। वो शनि के मित्र भी कहलाते हैं, वो शनि के सहयोगी भी हैं, क्योंकि शनि और शुक्र की मित्रता अपने आप में बहुत बेहतर है। यानी शुक्र के लग्नों के लिए या राशियों के लिए शनि मित्र होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो आपको कोई प्रॉब्लम ना दें। अब शनि का घर है दसवां घर, दसवें घर में चलते हुए आ गए मंगल। कौन है मंगल? 12वें घर, 7वें घर के मालिक हैं और दशम भाव में बैठे हैं। अब इसमें होता क्या है, सप्तम भाव जिसको हम पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, नौकरी के लिए देखते हैं, क्योंकि ये दसवें से दसवां भाव है, इसलिए ये मंगल शनि की जो युति बन रही है ये प्रोफेशनली गेन देने वाली है। विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छी है, जीवन साथी का सहयोग दिलाने के लिए अच्छी है। साथ ही साथ इस दौरान कह सकते हैं कि जीवन साथी इस दौरान आपको सहयोग करता है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, ऐसा भी कह सकते हैं, या आपका लाइफ पार्टनर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है उसे प्राप्त करने के लिए, तो वो भी स्थितियाँ ठीक मानी गई हैं। अब आप ये देखिए कि जब सप्तम का मालिक यहाँ बैठता है और दशम के मालिक के ही साथ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम कह सकते हैं भी प्रोफेशनली ये समय अच्छा है। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए ये समय शुभ है। लेकिन वो मंगल 12वें का मालिक होके भी यहाँ है। अब 12वां घर क्या होता है? किसी प्रकार के खर्च और नुकसान और यात्राओं का, तो इस दौरान प्रोफेशनली यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि तो देख रहे हैं 12वें को और 12वें का मालिक हो गया यहाँ, यानी इस दौरान 12th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होने वाला। या तो नौकरी चेंज हो सकती है, या नौकरी में तबादला, या नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका बिजनेस किसी दूर स्थान से जुड़कर कार्य करने को दिखाता है। ये भी हम किससे देखते हैं? मंगल और शनि से देखते हैं कि 12वें का मालिक मंगल अगर दशम में बैठता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को किसी ना किसी तरीके से टूर, ट्रेवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इनसे जोड़कर लाभ लेने का दिखता है। यानी ऐसे में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करें और उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये समय आपके लिए बेनिफिशियल बन के आया है। और जब ये समय बेनिफिशियल बन के आया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भैया ये मंगल और शनि की जो युति बन रही है,
ये आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छी है। हाँ, प्लेनेट स्वभाव में शुभ है, तो क्या हुआ अगर स्वभाव में शुभ है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल आपकी राशि को देखते हैं तो हिम्मत, जोश और साहस देते हैं, ये दोनों मंगल और शनि यहाँ देखते हैं। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेटर, एक्सटीरियर डेकोरेटर, रोड़ी बदरपुर, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य, सड़कें बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, फ्लैट बनाना, उनसे संबंधित अगर आपका कोई भी काम है, इंजीनियरिंग का काम है, मशीन टूल्स का काम है, हार्डवेयर का काम है, सैनिटरी का कार्य है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन और अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये मंगल शनि 10th हाउस में है और यहाँ से बैठ कर ये 4th हाउस को देखते हैं। चौथा घर क्या है? भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। तो इनसे संबंधित लाभ या इनसे संबंधित काम करके भी फायदा दिलाने का योग है, ये भी मंगल और शनि से ही दिखाई देता है। यानी इस कॉम्बिनेशन से आपको डरना नहीं है कि भी मंगल शनि एक साथ आगे पता नहीं क्या होने वाला है। जब चीज़ों को आप समझते हैं, उसको देखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये समय हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये समय हमारे लिए बहुत उचित है और इसमें हम सही तरह के सही ट्रैक पे मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए, जब मंगल शनि की युति 10th हाउस में बनेगी तो आपको क्या रिजल्ट देगी। जय श्री राम।